दुश्मनों को धुएं में उड़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत तेजस और राफेल फाइटर जेट में रुद्रम 1 मिसाइलों को सेट किया जाएगा। इससे काफी दूर से ही दुश्मनों को टारगेट कर ध्वस्त किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स राफेल और तेजस MK-1A में रुद्रम 1 मिसाइल जोड़ने की योजना बना रहा है। बता दें कि रुद्रम 1 नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे हवा से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल से जुड़ने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि रुद्रम हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। ये 600 किलोग्राम वजनी है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। इसमें 55 किलोग्राम वजनी प्री फ्रेगमेंट वारहेड लगाया जाता है। वहीं रुद्रम 1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। राफेल या तेजस फाइटर जेट से दागने पर इसकी क्षमता अचूक हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल होने के कारण ये इतनी तेजी से दुश्मन पर वार करेगी कि उसे संभलने या सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि ये मिसाइल लॉन्च होने वाली जगह से और ऊपर जा सकती है, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। रुद्रम 1 मिसाइल को राफेल और तेजस के बाद अन्य विमानों में भी सेट करने की योजना है। इसमें तेजस MK-2 AMCA फाइटर जेट्स में भी लगाने का प्लान है। इसी तरह मिराज और सुखोई में भी इस मिसाइल को सेट किया जा सकता है। बता दें कि तेजस MK-1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगाया गया है, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से रडार, एविलेटर, एलिरॉन, फ्लेक्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। फ्लाई वायर फाइटर जेट को सुरक्षित बनाता है। तेजस MK-1A में लगे स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और रडार इस मिसाइल को सटीक जगह में दागने में मदद करेंगे। इसके अलावा तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, साथ ही 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग तरह की रॉकेट्स और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इन्हीं हार्ड पॉइंट्स में रुद्रम मिसाइल को सेट करने का प्लान है। राफेल में रुद्रम को सेट करने पर इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, इसको समझने के लिए हमें राफेल की ताकत को समझना जरूरी है। बता दें कि राफेल बेहतरीन फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना में इस समय 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसे 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशन रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है, जो 125 राउंड प्रति मिनट दागती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल और कई तरह के बमों को भी तैयार किया जा सकता है। 14 हार्ड पॉइंट्स होने की वजह से रुद्रम मिसाइल के लिए राफेल का चुनाव किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।